तो अब हम लोग पटना के लिए रवाना हो रहे हैं और देखिए बीच में कितना भयंकर यहाँ पे पहाड़ी इलाका फिर से दिख रहा है। ये पार्ट टू है, पार्ट वन में बना चुका हूँ। देख सकते हैं आप कितना भयंकर यहाँ पे जंगल है बीच में। देखते हैं आपके पेड़ कितने सारे यहाँ पे लगे हैं और पहाड़ी इलाका जैसा मैदान जो होता है वैसा लग रहा है। रास्ते से आते हुए तो एक होटल दिखा, उसमें डिज़ाइन ये देखिए थोड़ी सी मुझे देखा अच्छा लगा मुझे। ये पेड़ के ऊपर पेंट किया गया सीमेंट जैसा एकदम लग रहा है मुझे। और ये देखिए इधर ये है, पूरा पेड़ को डिज़ाइन दी गई है बहुत गजब। अपने लिए दाल मशरूम मटर की सब्जी ली है, देखिए कितनी चटक यहाँ पर दाल है मशरूम की सब्जी मटर की। और देख सकते हैं रोटी हमने ले ली है, बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ का देखने में लग रहा है। तो देखिए ये रहा पूरा आइटम, आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है बिहार झारखंड में अगर आएंगे आप तो। ये अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ के थोड़े हाईवे के रोड देखिए बहुत ही पहाड़ी इलाके की तरफ पूरी तरह वही लग रहा है, पूरा मोड़ भी वैसा ही एकदम। और दोनों तरफ हमारे जंगल है, रात में बता रहे हैं यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं, तो वही पहाड़ी इलाका जैसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। ये वाला देखिए पहाड़ के तप्पर का वाला पहाड़ है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ घास से लदा हुआ बहुत ही ऊंचाई पे है ये पहाड़ और पूरा जंगल लाई एरिया, मज़ा आ गया। अब ये देखिए थोड़ा मैदानी इलाका की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये थोड़ा सा देखिए फैला हुआ है पूरी तरह, उधर देखिए दूर पे पहाड़ दिख रहे हैं एकदम, और नीचे पूरा वही मैदानी इलाका एकदम आपको नज़र आता हुआ देख सकते हैं, कितना व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पे। वाले चट्टान देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान है, और ये पहाड़ पूरा चट्टानों से लदा हुआ है। ये देखिए इधर से व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यह है पटना महावीर मंदिर, ये बहुत ही विद्यमान हनुमान जी के मंदिरों में से एक माना जाता है पूरे भारत में। कहता है कि इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था सबसे पहले उसका अभी साल किसी को नहीं पता, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करा गया 1947 में, दोबारा इसको बनवाया गया था। यहाँ पर बहुत ही मान्यता से लोग आते हैं, मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। देखिए कितनी भीड़ है समय सामने रही मूर्ति, लोग फोटो यहाँ खींच सकते हैं, क्लिक कर रहे हैं लोग, यहाँ पे कोई मना ही नहीं है। करें इसके प्रचलन की कब से मतलब ये प्रमुख मंदिर माना गया पटना का, तो ये 1947 विभाजन जब हुआ था उस समय से यहाँ पे हिंदू खूब आने लगे यहाँ पे, तो उस समय से इसको मान्यता प्राप्त होने लगी और यहाँ पर भीड़ होने लगी और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते रहते हैं, अपनी मन्नत पूरी कर लेते हैं यहाँ पर हनुमान जी से। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा देश में यही एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान जी के दो कह सकते हैं हम लोग विग्रह हैं, यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दूसरे जो उनकी मूर्ति है वो दुख हरने का काम करती है। तो यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें दो विग्रह हनुमान जी के यहाँ बताए जा रहे हैं। बारे में एक विचित्र फैक्ट आपको ये बता दूँ कि 13 जून 1993 से यहाँ पर दलित पुजारी यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आपको लग सकती है कुछ लोगों को,
लेकिन ये सत्य है, यहाँ का ये चमत्कार है कि यहाँ पे मान्यता से लोग आते हैं और उनकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। बहुत ही मंदिर है भारत में ऐसे, लेकिन ये बहुत ही खास मंदिर माना गया है। अब देखते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो ये देख सकते हैं अंदर की तरफ ये शिवलिंग बना है छोटा सा। यहाँ पे हम लोग नीचे के साइड थोड़ा आए हैं, ये ऊपर हनुमान जी की मूर्तियाँ थी तो ये थोड़े नीचे देख सकते हैं। ऊपर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप इधर से देख लीजिए आप, ये है शिवलिंग। जय बाबा। मंदिर के छत पे आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ से पूरा पटना दिख रहा है, जहाँ तक दिख पा रहा है। रेलवे स्टेशन का देख सकते हैं, ये सामने रहा हमारा पटना जंक्शन और इसके एकदम ठीक सामने ये मंदिर है मौजूद। बहुत ही यहाँ पे औसम व्यू आ रहा है, ये देख सकते हैं झंडा भारत का, और ये रहा व्यू। और किनारों को मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण की यहाँ पे मूर्तियाँ, और देख सकते हैं ये नक्काशी की गई है यहाँ पे, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है व्यू, औसम यहाँ पे देखने का मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक विचित्र चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अयोध्या का पूरा ये नक्शा यहाँ पे बनाया गया है। बहुत साल पहले यहाँ पे सब स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रख दिया गया था। और चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ यहाँ पे है। ये देख सकते हैं सामने वो ब्रिज दिख रहा है, वो तार वाला ब्रिज जो शुरुआत में था। ये देखिए शंकर जी की मूर्ति यहाँ पे, सॉरी शिवलिंग यहाँ पे देख सकते हैं विराजमान है। ये बीच में एकदम बना है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। सामने से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए ये रही शिवलिंग, और ये पूरा वही मंदिर का पूरा, यहाँ पे लोग अंदर दान भी देते हैं, कांच के केस में ये बना हुआ है पूरा। बहुत ही व्यू अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। कुछ और यहाँ पे विशेष दिखाते हैं, ये देखिए राम सेतु का 15 किलो का यहाँ पे राम सेतु का पत्थर यहाँ पे रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही राम सेतु जो भगवान श्री राम की वानर सेना ने बनाया था लंका पर चढ़ाई करने के लिए बीच में, तो वही पत्थर यहाँ पे भी रखा गया है। बहुत ही औसम यहाँ पे देखने को मिला, वाह। ये देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं, और इधर यही ये रहा पटना का म्यूज़ियम। इधर साइड जो आपको ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर थलकल का, ये पटना का म्यूज़ियम है, ठीक है। और ये देखिए रोड जा रही है सीधे मार्केट की ओर, तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये देखिए नारियल जो यहाँ पर मिल रहा है, गर्मी बहुत है इस समय यहाँ पर, तापमान काफ़ी ज़्यादा उमस है यहाँ पर एकदम कह सकते हैं। भाई ये थोड़ा इधर का व्यू देखते हैं, ये देखिए पूरा मॉल एरिया है यहाँ पे, तरह तरह के छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे। जी सही सुना आपने, आगे बढ़ते जाएंगे ना तो थोड़े थोड़े आपको मॉल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ये तो अभी बस छोटा सा एरिया मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इधर सब यहाँ पर है। गांधी मैदान आगे निकल जाएंगे तो होगा, एयरपोर्ट राइट की तरफ है, और ये हम लोग बस चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी उमस है इस वजह से। ये देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और यह पूरा ब्रांच है इतना बड़ा यहाँ पे। औसम यहाँ पे व्यू है, शहर काफ़ी बड़ा है पटना, कंजस्टेड थोड़े एरिया हैं, पर यहाँ पे घूमने में थोड़ी हल्की ठंडी हो तो आनंद आएगा, इस समय तो गर्मी।
बिहार की थोड़ी चाय की बात करते हैं। ये देखिए कुल्हड़ देखिए कितने सजे हुए हैं यहाँ पे मज़े में। देखिए हम लोग चाय पीने जा रहे हैं भैया यहाँ पे बिहारी मस्त चाय टमाटम लगा के। देखते हैं बनाने को बोला तो है इनसे। ऊपर देखिए मॉल जैसा है कुछ, यहाँ पे बहुत ही सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं शुद्ध घी यहाँ पे बेच रहे हैं 650 है, क्या लिखते हैं पता नहीं। हम लोग चाय पी रहे हैं, ये देखिए छान रहे हैं चाय, बता रहे हैं इलायची डाला है बहुत बढ़िया तगड़े से मतलब। चलिए अब चाय ले लेते हैं। तो हमने चाय ले ली है, देखिए झाग कितना बन रहा है। इतनी झाग वाली चाय बहुत कम ही पी है मैंने, लेकिन बहुत ही देखने में अच्छा लगता है मुझे और इसको पीने में तो आनंद ही आनंद। इलायची मार के बहुत ही मज़ा आती पीने में। कलर देखिए एकदम शाइन करता हुआ कलर और झाग ही झाग दिख रहा है भैया, झाग ही झाग ऐसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक है पीली वाली। वाली बिल्डिंग देख के मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, क्योंकि देखिए बीच में एक बहुत ही लंबा सा डंडा, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर लगा मुझे यहाँ पे इसका जो देखा मैंने। लोग थोड़ा घूम घाम के अपने होटल में आ चुके हैं, तो देख सकते हैं रूम है ये मेरा जो हमने लिया था। तो ये एसी लगा है ठीक है, और ये बाथरूम है, और इधर देखिए अलमीरा दी है छोटी सी लकड़ी की ठीक है, बहुत ही स्पेशियस है लेकिन है ठीक बढ़िया ला मजा आ रही। बेड देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे दिया है, चौड़ाई दो बेड हमने डबल बेड लिया है, तो देख सकते हैं स्पेशियस है और ठीक है एक्सपीरियंस औसम है यहाँ पे। चलिए निकलते हैं बाहर। रास्ते में जा रहे थे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पुल दिखा मुझे, ब्रिज देखिए तार पूरे ऊपर की तरफ गए हैं, लाइन एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, और इसका डिज़ाइन बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे। बड़े बड़े शहरों बेंगलोर में जैसे नहीं होता है बड़ा बड़ा, तो ये देखिए तार टाइप का ये बना है पूरी यहाँ पे आर्किटेक्चर यहाँ पे औसम लगा मुझे यहाँ पे। तो आइए चलते हैं आगे। जाइए साइड का व्यू बहुत ही औसम लग रहा है, बेंगलोर जैसा मुझे फील हो रहा है एकदम, ऐसे ही बिल्डिंगें बनी हैं और रोड औसम है यहाँ पे, मज़ा आ रही देखने में। ये देखिए कितना औसम व्यू, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है नदी, देख सकते हैं मेरे बाई ओर ये देखिए पूरी नदी है, इधर बीच में थोड़ी सी पट्टी आपको जरूर। देखिए ब्रिज के इधर का एरिया पूरी नदी फैली हुई है यहाँ पे, ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ पे, अमेजिंग एकदम बीच की तरह लग रहा है बहुत ही। देखते छोटी छोटी दो नाव दिख रही मुझे यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखिए ऑसम व्यू, मज़ा आ गया। अब देखिए हम लोग अटल पाथ की तरफ निकल रहे हैं,
तो देख सकते हैं ये रहा अटल पाथ वाली रोड। पटना के देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पार्क है यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे राजधानी वाटिका ये नाम है इसका। तो हम लोग यहाँ आए हैं तो अंदर देख सकते हैं ऑसम यहाँ पे व्यूज़ मिल रहे हैं देखने को, पूरा ग्रीनरी छाई हुई है। ये देख सकते हैं पेड़ पौधे बहुत ही यहाँ पे शानदार, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है पूरा ऑसम। यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया यहाँ पे तरह तरह के फूल फल, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू लग रहा है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं आप ये पूरा गार्डन कितना बढ़िया यहाँ पे बैठने का पार्क है कह सकते हैं। बहुत ही ऑसम यहाँ पे ग्रीनरी छाई हुई है। लोग यहाँ पे शाम को ज़्यादा आना पसंद करते हैं। थोड़ा सा वहाँ देखिए ऊंचाई है, थोड़ा वहाँ बैठने में और मज़ा आ रहा होगा। हमने अपने लिए मैंगो शेक लिया था। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा व्यू दिखाने का प्रयास करते हुए हम लोग यहाँ पे देखिए ये है शॉप यहाँ पे एक सुधा नाम से। ये पूरा हम घुमा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए पेड़ इधर सारे लगे हैं सब। ऑसम एक्सपीरियंस है।